ये हमारा क्वेश्चन है जो कि हमने लास्ट क्लास में एक सिक्योरिटी प्रीमियम का पॉइंट सीखा था उसके ऊपर। यहाँ लिखा हुआ है एबीसी कंपनी ने इशू किए हैं 50,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 10 ईच अलोंग विद सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ ₹2 एज फॉलोज, यानी कि उन्होंने ₹2 एक्स्ट्रा मांगे हैं अपने पब्लिक से। एप्लीकेशन पे ₹2 मांगे हैं, अलॉटमेंट पे ₹3 प्लस ₹2, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में ₹2 जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम है और ₹3 कैपिटल का पार्ट है, ठीक है सर, और ₹5 फाइनल कॉल पे मांगे गए हैं। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है हमारे पास में, और ये क्वेश्चन करने के लिए हमारे को जर्नल एंट्रीज अब करनी है। तो आइए बच्चों पहली जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहली एंट्री जैसे कि हमने सीखा था लास्ट क्लास में बैंक की होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 इंटू 2, यानी कि ₹1,00,000। नरेशन में नीचे लिख देंगे आप बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अच्छा, फिर इसके बाद में आप इसको ड्यू करने की एंट्री करेंगे, यानी कि ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो हमारे पास में एंट्री क्या हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 2 ठीक सर। अब अलॉटमेंट पे पैसा मांगा है सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ में, तो इस एंट्री पे थोड़ा खास ध्यान देना क्या बोला गया है, एंट्री के अंदर क्या लिखा जाएगा, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और अब इसका डिवीजन किस तरीके से होगा सर, देखिए 50,000 शेयर्स के ऊपर, 50,000 शेयर्स के ऊपर कैपिटल का अमाउंट ₹3 था, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट ₹2 था, यानी कि टोटल जो था हमारे पास में ड्यू हुआ है ₹5। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास में अलॉटमेंट को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000, और ये सारा का सारा पैसा हमें ₹5 के हिसाब से रिसीव हो गया, ठीक है जी। इस तरीके से यस सर हो गया। नेक्स्ट एंट्री फाइनल कॉल की, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट ₹5 से मांगी गई थी, ये और नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है जी। ये हमारे पास में जो है हमारी फाइनल कॉल की एंट्री हमने ड्यू की,
और उसके बाद में रिसीव हो गई। हाँ जी बच्चों, तो कॉल्स एंड एरियर का एक नया अलग कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, एक एक्स्ट्रा हम आगे चलते हैं तो उसके अंदर आता है। कॉल्स एंड एरियर का मतलब क्या होता है? कॉल्स एंड एरियर का मतलब होता है मनी का डिले होना। कंपनी ने आपसे पैसे मांगे, कंपनी ने आपसे पैसे मांगे और आपने उसको टाइमली पैसे नहीं दिए, तो वो आपके लिए एक अकाउंट ओपन कर देती है, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट। यानी कि आपका पैसा वेटिंग रूम में है, अभी वेटिंग चल रही है आपकी, ठीक है जी। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? वेटिंग, वेटिंग ऑफ मनी ड्यू। जो मनी ड्यू हुई थी उसका अभी हम वेट कर रहे हैं। तो इसी के लिए हमने क्वेश्चन इस तरीके का ड्राफ्ट किया। क्या लिखा है उसके अंदर? 50,000 शेयर्स थे, जो भी हमने क्वेश्चन लिखा था उसी के अंदर मैंने थोड़े से चेंजेस कर लिए। 50,000 प्रेफरेंस शेयर जो थे वो इश्यू किए गए थे। सिक्योरिटी प्रीमियम 2 था, एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹3+2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹5। तो पिछले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था ऑल द मनीज ड्यू वर रिसीव्ड ऑन टाइम एक्सेप्ट, अब यहाँ पे है नया पार्ट है यहाँ पे, एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर्स। यानी कि जो 1000 शेयर होल्डर है ना, इन्होंने पैसा जो है वो डिले कर दिया है, इन्होंने पैसा डिले कर दिया है, तो इनकी एंट्री का क्या इफेक्ट होगा ये हमें सीखना है। सबसे पहली एंट्री रिमेन सेम सर, अभी जो हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट सेम है। तीसरी हमारे पास में सिक्योरिटी प्रीमियम पे जो हमने मनी लिया था वो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट के साथ में अलॉटमेंट मनी जो है वो ड्यू किया गया और फिर उसे पूरा ही रिसीव किया गया जैसे कि पिछली क्वेश्चन में था, सारा का सारा सेम है। अब नया क्या है इसके अंदर? फिफ्थ पॉइंट के अंदर हमने जो मनी है वो ड्यू किया है, हमने मनी ड्यू किया है और हमारे को अमाउंट जो है वो रिसीव हुआ है। अब इसकी एंट्री हमें करनी है। अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, हमने मनी जो ड्यू किया ना वो 50,000 शेयर्स के ऊपर किया, 50,000 शेयर्स के ऊपर ₹55 हमने ड्यू किए, लेकिन हमारे को 50,000 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं मिला, सिर्फ 49,000 शेयर्स के ऊपर ही पैसा मिला। तो वो तो आ जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर। अब इज इट पॉसिबल कि डेबिट में तो 49,000 और क्रेडिट में 50,000 हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमारे को क्या बनाना पड़ेगा सर? एक वेटिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, और वो कितना? 1000 × 5। यानी कि अभी इनकी प्रतीक्षा चल रही है, अभी इनकी प्रतीक्षा चल रही है, ठीक है। तो ऐसा है, हमने एक क्वेश्चन के अंदर किया। अच्छा, अभी मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं यहां पे आगे लिख दूं एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर्स, और आगे लिख दूं यहां पे इसी पार्ट के अंदर, इसी को आगे बढ़ाते हुए, विच रिसीव्ड ऑन 1 month later, मतलब पैसा तो मिला लेकिन एक महीने बाद मिला जब से ड्यू हुआ, 1 month later, ठीक है जी। तो अब देखिए यहां पे क्या एंट्री होगी सर? उन लोगों ने हमारा कॉल से नेरियर, हमने उनका वेट रखा हुआ था ना, वेटिंग कर रहे थे हम इनको, तो कॉल से नेरियर अकाउंट डेबिट था, अब कैश आ गया हमारे पास में, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी सर? कैश, यहाँ बैंक लिखते हैं, कैश नहीं लिखते यहाँ पे, बैंक लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल से नेरियर अकाउंट, यानी कि कॉल से नेरियर अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया। कितने लोगों का पैसा आना था सर? 1000 लोगों का पैसा आना था, वो आ गया हमारे पास। तो इन लोगों ने पैसा दिया तो सही, लेकिन थोड़ा सा वेट करवा करके दिया, एक महीने बाद दिया, जिसकी वजह से हमारे को पहले इन्हें कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डालना पड़ा सिक्स्थ एंट्री के अंदर,
और बाद में उस कॉल सिनेरियो अकाउंट को क्लोज करते हुए बैंक अकाउंट के अंदर डालना पड़ा। भाई देखो, अगर ये टाइमली पे कर देते तो ये भी इन्हीं के साथ मिल जाते, लेकिन अब ये आए तो हैं लेकिन थोड़े टाइम बाद आए हैं, देर आए दुरुस्त आए वाली बात हुई है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब आप लोग इसको जरा नोट कीजिए पूरे क्वेश्चन को, और इसी तरीके से आपको नोट करना है। ठीक, ये लीजिए, ये आपके सामने, फटाफट से नोट कीजिए। सर, जी बेटा, ये कॉल सिनेरियो अकाउंट को हम डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी एसेट्स होता बेटा फ्यूचर में हाँ पैसा मिलेगा ना। जी सर। थैंक यू सर। देखिए जी, नेक्स्ट जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट है वो है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ लोग थोड़े बुरे से होते हैं ना कि वो वेट करवा करके पैसा देते हैं, तो ये लोग बहुत अच्छे थे। ये लोग क्या थे? ये शेयर होल्डर कौन थे? जिन्होंने अपना पैसा वेल इन एडवांस दे दिया। ठीक है सर, अब वेल इन एडवांस दे दिया तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीके की लाइबिलिटी है, जब तक कि ये ड्यू ना हो जाए, टिल द मनी ड्यू। और दूसरा, इससे हमारा क्या होगा सर? इससे हमारा बैंक अकाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा, तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और बैंक अकाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा। हो जाना चाहिए ना। कॉल्स इन एडवांस, आप किसी से एडवांस में पैसा ले लेते हो, ठीक है, कोई सर्विसेज देने के लिए, तो वो आपके सिर पे एक ऑब्लिगेशन बन जाती है, एक लाइबिलिटी बन जाती है। तो ऐसे ही यस कॉल्स इन सर। एडवांस भी क्या है? आपके सिर पे एक लाइबिलिटी है, तब तक जब तक ये ड्यू ना हो जाए। ड्यू ना हो जाए का मतलब क्या है? जैसे मान लो, एक मिनट के लिए आप मुझसे फाउंडेशन के अंदर पढ़ते हो, सीए फाउंडेशन के अंदर, और मुझे इंटर की फीस दे देते हो, तो जब तक आप इंटर में नहीं पहुंच जाते और मैं आपको इंटर की सर्विसेज नहीं देता, यानी कि सर्विसेज ड्यू नहीं होती, तब तक आपकी ये अमाउंट मेरे सिर पे एक लाइबिलिटी रहती है। ठीक है, तो इससे लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। आइए अब इसको ना एग्जाम्पल के पॉइंट से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एबीसी कंपनी ने इशू किए 50,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच विद सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ ₹2 एज फॉलोस। एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे 3+2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹5। ठीक है सर, हमारा वही एग्जांपल है, थोड़ा सा चेंज किया गया। इसके अंदर क्या लिखा गया है? ऑल द मनीज वर ड्यू रिसीव्ड ऑन टाइम, होल्डर ऑफ 2,000 शेयर्स पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इन एडवांस अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। यानी कि ये लोग इतने अच्छे थे, इन्होंने ₹2,000 शेयर्स का जो पैसा है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, 2,000 शेयर होल्डर इतने अच्छे हैं हमारे, 2,000 शेयर जो हैं जिनके पास में, उन्होंने अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पहले ही दे दिया अलॉटमेंट पे। तो देखो, ये पैसा जब अलॉटमेंट पे रिसीव होगा तो लाइबिलिटी बन जाएगा, और जब ये हमारे पास में, जब ये हमारे पास में फाइनल कॉल ड्यू हो जाएगी, तो उस टाइम पे ये लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि तब ये पैसा ड्यू हो जाएगा। ठीक है सर, आइए पहली एंट्री है हमारे पास में, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 × 2, सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। सेकेंड एंट्री हमारे पास में, इसको ट्रांसफर करने की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक सर, थर्ड एंट्री, वो भी सेम, हमने पैसा ड्यू किया अलॉटमेंट का, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर ₹2 आ गया और ₹3 कैपिटल के अंदर आ गया। ठीक है जी, इसके बाद में अब यहां पे आने वाले हैं कुछ चेंजेस। अगली एंट्री हमने लिखनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अभी लिखना मत, अभी मत लिखना, मेरे साथ मत लिखना,
बैंक अकाउंट डेबिट, अगर सब कुछ सेम चलता, ये 2000 लोग यहाँ पे नहीं होते तो हम क्या एंट्री बना देते सर, जैसे हमने पहले बनाई थी 50,000 इंटू 5 और 50,000 इंटू 5। लेकिन सर अब की बार ऐसा नहीं है, 50,000 लोगों ने 5 रुपया तो दिया ही है, 50,000 लोगों ने 5 रुपया तो हमें दिया ही है, वो तो पहले भी दे रहे थे पिछले केस में, 50,000 इंटू 5 तो पहले भी दे रहे थे। लेकिन अब की बारी क्या नया हुआ है, अब की बारी नया हुआ है सर, 2000 लोगों ने हमें फाइनल कॉल का पैसा भी अभी दे दिया है, तो वो भी बैंक में आ जाएगा। ये बात समझ में आई, बोलो जल्दी बताओ, पहले ये बात समझ में आई कि ये बैंक में ही आ जाएगा ना, कि भाई हमारे पास में हमने मांगी तो हमने सिर्फ अलॉटमेंट मनी थी, लेकिन अलॉटमेंट मनी के साथ साथ कुछ लोगों ने 2000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपया और एक्स्ट्रा दे दिया। अब ठीक है सर, दे दिया तो हमने रिसीव कर लिया, हम कोई घर पे आई हुई लक्ष्मी को मना थोड़ी करते हैं। अब सोच करके देखो, डेबिट साइड पे तो है 52,000 इंटू 5 और क्रेडिट साइड पे है 50,000 इंटू 5, तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है। हाँ सर, नाइंसाफी तो है, तो अब क्या करें सर, अब हम अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे ना, हमारी मैंने बताया ना लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कितना सर 2000 इंटू 5। अब बराबरी की बात आ गई, डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया। भाई ये कॉल्स इन एडवांस याद रखना, क्रेडिट क्यों हुई है, क्योंकि सर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, और लाइबिलिटी इंक्रीज होने के साथ में हमारा बैंक अकाउंट भी इंक्रीज हुआ है, इसलिए बैंक डेबिट हुआ है। बैंक हमारा एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, सिंपल। ठीक है सर, अच्छा ये तो हमने रिसीव कर लिया। यहाँ पे नरेशन क्या लिख देंगे, या नरेशन लिख देंगे, बींग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड अलोंग विद कॉल्स इन एडवांस ऑन रुपीज ऑन 2000 शेयर्स। ठीक है जी, कॉल्स इन एडवांस, ओके सर। अब कॉल्स इन एडवांस के अंदर सर हमारे पास में 5 रुपया ऑलरेडी आ चुका है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये 5 रुपए से मेरा बैंक अकाउंट ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, तो क्या अब उनसे दोबारा से मांगूंगा मैं, नहीं। लेकिन ड्यू तो सबकी एंट्री करूंगा, मैं ड्यू तो सबको करूंगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर्स को मैंने बोला, मैंने कहा आपका पैसा ड्यू हो गया। कितने शेयर होल्डर का सर, 50,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपया ड्यू हो गया। ठीक है सर, अब क्या ये मेरी लाइबिलिटी रही, जैसे पैसा ड्यू हो गया, यानी कि लाइबिलिटी कब तक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, तब तक जब तक कि मेरे पास में ये अमाउंट ड्यू नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही ये अमाउंट ड्यू हो गया अगली एंट्री के अंदर, तो सर मेरी लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, मेरी लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या एंट्री बनाऊंगा, यहाँ पे मैं एंट्री बनाऊंगा सर नेक्स्ट। देखो फाइनल कॉल का मैंने कितना पैसा बुलाया था, कितने लोगों से सर, 50,000 लोगों से 5 रुपया बुलाया था, जिसमें से मेरे बैंक अकाउंट के अंदर कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब जो लोग पहले पैसा दे चुके हैं वो दोबारा क्यों देंगे, तो रिमेनिंग लोग ही पैसा देंगे। कितने थे वो सर, 48,000 शेयर होल्डर्स थे वो, 48,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपया मुझे रिसीव हुआ इस बार। और सर जो पहले से रिसीव हो गया था उसमें मैं अपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, तो यहां क्या लिख दूंगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कितने से, वही वाला अमाउंट 2000 इंटू 5। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं कि कॉल्स इन एडवांस एरियर बोल दिया मैंने, गलती से मैंने एरियर लिख दिया बेटा, सॉरी यहाँ पे एडवांस है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एक बार ही क्रेडिट हुआ,
और एक बार डेबिट हुआ उतने ही अमाउंट से, डेबिट और क्रेडिट आपस में हो गए, इसका मतलब ये क्या हो गया सर, ये अकाउंट क्लोज हो गया। और कब क्लोज हुआ, जब मेरा पैसा ड्यू हो गया तभी ये अकाउंट क्लोज कर दिया। तो सिंपल सी बात है, एक बार फिर से रिवाइज कर लो सर, यहाँ पे फोर्थ एंट्री के अंदर मेरी लाइबिलिटी जो थी वो इंक्रीज हो गई थी और बैंक अकाउंट भी इंक्रीज हो गया था, तो मैंने बैंक को डेबिट कर दिया और लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। कॉल्स इन एडवांस क्या थी, एक लाइबिलिटी थी, लेकिन जैसे ही अगली कॉल जो है वो ड्यू हो गई तो मेरी वो लाइबिलिटी जो थी वो डिक्रीज हो गई, जो पहले इंक्रीज हुई थी ना वो डिक्रीज हो गई। अच्छा एक बात बताओ, जब लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जब लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो क्या हो जाती है सर, सर वो डेबिट हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, मैंने कहा अब मेरे ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, अब मेरी ऑब्लिगेशन खत्म। क्यों? क्योंकि सर मेरा पैसा ड्यू हो गया ना सारा का सारा, तो अब जिन लोगों ने मुझे पैसा दे दिया था वो दोबारा थोड़ी देंगे, तो इसलिए मैंने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को यहाँ डेबिट लिख दिया। और देखो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में 2000 लोगों का पैसा बैंक में ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी बैंक के अंदर आ चुके हैं, तो बैंक पहले आ गया था और फिर हमने इसको एक लाइबिलिटी के रूप में रख दिया था, आज उस लाइबिलिटी को भी खत्म कर दिया, तो इसका मतलब सारा का सारा पैसा बैंक में आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में टोटल अमाउंट बैंक के अंदर कितना आया है, 48,000 × 5 प्लस 2,000 × 5 तो पहले ही आ चुका था, तो पूरा 50,000 × 5 आ चुका है, जितना कि इस बार ड्यू हुआ था। बेटा ये कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस जो है ना एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनके ऊपर अगर कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना, लेकिन जरूरत है इस चीज को सीखने की, ठीक है जी। यहाँ पे हम इस तरीके से काम करते हैं। और सर नरेशन के अंदर क्या लिख देंगे, नरेशन इसकी तो मैंने बोली दी थी, इसकी नरेशन आपको मालूम है कि ड्यू हुआ है अमाउंट, बीइंग प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट में क्या लिख देंगे, इधर क्या नरेशन लिख देंगे हम, इधर हम नरेशन लिख देंगे सर, बीइंग रिमेनिंग मनी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड अलोंग विद कॉल्स इन एडवांस, यानी कि कॉल्स इन एडवांस को भी हमने एडजस्ट कर दिया, ठीक है जी। तो इसको पूरे को कॉपी करो फटाफट से। ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, चलिए मैं इसको, पहले ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने पहले लिख ही लिया था मेरे ख्याल में, और ये हमारी जर्नल एंट्री, जल्दी से कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर हमने कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों को ऐड कर देना है। देखिएगा क्वेश्चन एक बार फिर से, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, एबीसी कंपनी इश्यूड 1,10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, ठीक है जी। आप ये 10% को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमने बार बार एंट्रीज के अंदर इसका यूज नहीं किया था। 1,00,000 शेयर्स एट द रेट 10% ईच एज फॉलोस, ₹3 एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे ₹3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹4। ऐसा लिखा गया है नीचे कि होल्डर ऑफ 1,000 शेयर्स नॉट पेड फाइनल कॉल, यानी कि 1,000 लोगों ने फाइनल कॉल पे नहीं की, एंड होल्डर ऑफ 500 शेयर्स पेड एडवांस मनी ऑफ अलॉटमेंट अलोंग विद एप्लीकेशन मनी, यानी कि एप्लीकेशन के साथ ही उन्होंने अलॉटमेंट मनी भी पे कर दी, यानी कि 500 लोग तो बहुत अच्छे थे और 1,000 लोग थोड़े से बुरे थे। चलिए पहली एंट्री हमारे पास में आई, देखिएगा पहली एंट्री क्या लिखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब ऐसा क्यों किया, अगर किसी ने हमारे को, इन 500 लोगों ने पैसा एडवांस में नहीं दिया होता तो हमारी नॉर्मल एंट्री क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और कितने रुपए से, 1,00,000 × 2 से, 1,00,000 × 3 से। अब कुछ लोगों ने हमारे को पैसा एडवांस में दे दिया तो उससे हमारा बैंक भी बढ़ जाएगा और लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, तो जब लाइबिलिटी बढ़ती है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, कॉल्स इन एडवांस को हमने क्रेडिट कर दिया और बैंक में हमने 500 × 3 और बढ़ा दिया। ये एप्लीकेशन मनी है, ये क्या है बेटा,
ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन एडवांस, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इन एडवांस, ये है, ठीक है सर। अब सेकेंड पॉइंट के अंदर, सेकेंड एंट्री के अंदर हमने कन्वर्ट किया किसको, एप्लीकेशन मनी को अपने कैपिटल के अंदर, तो हमारी एंट्री बन गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन सिर्फ 1,00,000 रुपए से। याद रखना ऊपर जो क्रेडिट 1,00,000 से है तो वो नीचे डेबिट भी 1,00,000 से ही होगा, याद रखना इस चीज, ठीक सर। अब नेक्स्ट एंट्री हमारे पास में थर्ड एंट्री है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमने अमाउंट ड्यू कर दिया 1,00,000 × 3 रुपया। अब जिन लोगों ने हमारे को, जिन 500 लोगों ने हमारे को ऑलरेडी अलॉटमेंट मनी पहले से ही दे रखी थी, वो अब दोबारा क्यों देंगे? तो इस वजह से 1,00,000 लोगों में से सिर्फ 500 लोग जो है पैसा नहीं दे रहे, बाकी 99,500 लोग 3 रुपया दे रहे हैं। तो हमने एंट्री क्या बना दी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट क्यों कर दिया, क्योंकि सर ये एक लाइबिलिटी थी और अब वो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है, ठीक सर। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 1,00,000 × 3 हमने क्रेडिट कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास फिफ्थ एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की। हमने पैसा ड्यू कर दिया शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000 × 4 रुपए से। यहाँ पे कुछ 1,000 लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया, देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि 1,000 लोगों ने हमारे को पैसा अभी तक नहीं दिया है, ठीक है सर। जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनके लिए हम क्या कहेंगे, उनके लिए हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो है वो ओपन कर देंगे। और कॉल्स इन एरियर अकाउंट एक एसेट की तरह से यहाँ पे काम कर रहा है कि अभी पैसा नहीं मिल रहा, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, इसलिए डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है सर, 1,00,000 लोगों में से 1,000 लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो कितने लोगों ने पैसा दे दिया, 99,000 लोगों ने पैसा दे दिया 4 रुपए, तो उसको हमने बैंक अकाउंट के अंदर डाल दिया, ठीक है। और क्रेडिट साइड में हमने वही जो ऊपर डेबिट किया था वही नीचे क्रेडिट कर दिया। तो 1,00,000 लोगों का ब्यौरा जो है वो ये है कि 99,000 लोगों ने तो पैसा दे दिया है, जबकि 1,000 लोगों का अभी वेट चल रहा है, वेटिंग पीरियड चल रहा है कि अभी ये पैसा हमें बाद में देंगे, ठीक सर। तो इस तरीके से हमारे पास में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाता है, जिसके अंदर की हमने देखा कि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों का कॉन्सेप्ट था। अब आप इसको जो है वो नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। देखिएगा सर एक और क्वेश्चन बढ़िया सा, एबीसी कंपनी इशूड 1,00,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच एज फॉलोस। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपए, और होल्डर ऑफ 1,000 शेयर नॉट पेड फाइनल कॉल एंड होल्डर ऑफ 500 शेयर्स पेड फुल अमाउंट ऑफ शेयर विद एप्लीकेशन मनी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पुराने क्वेश्चन से ये बात नहीं है कि सारे का सारा पैसा उन्होंने एक ही साथ पे कर दिया था, वहां पे उन्होंने सिर्फ एक कॉल पे की थी, है ना, एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट पे कर दिया था, यहाँ पे उन्होंने फुल मनी पे कर दिया, यानी कि उनको बहुत कॉन्फिडेंस था कंपनी के ऊपर। तो सर आप ध्यान से देखिएगा आंसर को, पहले तो हमने क्या नाम है पैसा जो है उसको रिसीव करने की एंट्री बनानी है, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। नॉर्मल अगर क्वेश्चन को देखें, नॉर्मली अगर होता ये तो क्या होता, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और वो कितने से एंट्री हो जाती, वो इतने से एंट्री हो जाती सर, ये अमाउंट आ जाते उसके अंदर, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन सर अब कुछ लोगों ने जो है वो रिमेनिंग मनी भी दे दिया है। अब बच्चे पता है क्या गलती कर देते हैं, यहां पे ना 500 × 10 कर देते हैं, बहुत गलत है। आप देख सकते हैं वो 500 × 3 तो इसके अंदर भी इंक्लूडेड है, 1,00,000 × 3 के अंदर, तो फिर हमें सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट पे करवाना है। रिमेनिंग अमाउंट भी उन्होंने आज ही पे कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट कितना पे कर दिया,
रिमेनिंग अमाउंट उन्होंने 500 × ₹7 और पे कर दिया। आप अगर अपनी कन्वीनियंस के लिए चाहें तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि सर 99,500 लोगों ने तो ₹3 पे किया और साथ ही 500 लोगों ने ₹10 पे कर दिया, हाँ जी ऐसे भी लिख सकते हो आप कि 500 लोगों ने ₹10 दे दिया। ठीक है, अब देखो अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपके पास में क्या है, जैसे मैंने लिखा था पहले, आप अगर इस तरीके से लिखते हो तो आप लिखते हो बैंक अकाउंट डेबिट में 1,00,000 × 3 और ₹500 × 7। इससे आपको पता लग जाता है कि ₹7 ही केवल एडवांस आए हैं, बाकी तो क्या नाम है ड्यू ही हुआ था ना, है ना। तो आप चाहे जैसे वैसा लिख सकते हैं। अब आप लोगों को ये बात मालूम है कि एडवांस कितना आया, ₹7 आया, कितने शेयर्स पे, 500 शेयर्स के ऊपर। तो कॉल्स इन एडवांस 500 × 7 लिखा जाएगा। गलती से भी यहाँ पे 500 × 10 मत लिख देना, क्योंकि ₹3 तो ड्यू हो ही गया है ना, वो एडवांस कैसे हो सकता है, वो हमारी लाइबिलिटी कैसे हो सकता है। ठीक है जी, पहली एंट्री में मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकेंड एंट्री पढ़ते हैं जी। अब ये जो है मनी हमारी ड्यू हो गई है, यानी कि हमने कन्वर्ट कर दिए शेयर कैपिटल के अंदर, तो 1,00,000 × 3 1,00,000 × 3 ठीक है, इतना पैसा इनका ड्यू हो गया। अब थर्ड एंट्री में हमारे पास में थर्ड एंट्री के अंदर हमारी अलॉटमेंट जो है वो ड्यू हुई, कितने से सर, 1,00,000 × 3 से। अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों ने हमें पहले से ही पैसा दे रखा है वो पैसा क्यों देंगे। तो हम कहते हैं सर 1,00,000 में से 500 लोगों ने हमें पैसा दे रखा है, तो सिर्फ 99,500 लोगों ने ही अब की बार हमें पैसा दिया ₹3, यानी कि हमारी अलॉटमेंट मनी। और बाकी यहां पे हमारे पास में कॉल्स इन एडवांस कितना था, 500 × 7 क्रेडिट में था, उसमें से आज अमाउंट कितना ड्यू हो गया सर, ₹3 ड्यू हो गया है, तो उतने को हम डेबिट कर देंगे, उतने अमाउंट को हम डेबिट कर देंगे। यानी कि जो लाइबिलिटी थी 500 × 7 की, वो अब घट चुकी है कितने से, 500 × 3 से। अभी भी हमारे पास में 500 × 4 की लाइबिलिटी बाकी है, ये याद रखना, अभी भी हमारे पास में 500 × 4 की लाइबिलिटी, यानी कि कॉल्स इन एडवांस के अंदर इतना पैसा बाकी है। और वो कौन से, कितने अमाउंट के लिए, वो हमारी फाइनल कॉल के लिए। तो आप देख लीजिए अच्छे से इसको, यहाँ पे हमारे 500 × 7 क्रेडिट हुए थे और अभी तक सिर्फ 500 × 3 ही डेबिट हुए हैं, यानी कि कॉल्स इन एडवांस के अंदर अभी भी ₹4 500 शेयर्स का बाकी है। क्यों सर ऐसा क्यों है, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा क्यों नहीं कर दिया। अरे बंधुओं सोचने वाली बात है, जितना ड्यू करोगे उतना ही तो ले सकते हो, जो ड्यू नहीं हुआ वो अभी भी लाइबिलिटी है, तो जितना हमारा ड्यू हुआ है वो ₹3 ही हुआ है, इसलिए ₹3 से लाइबिलिटी कम हो गई है। लाइबिलिटी कम हो गई है तो हम क्या कर देते हैं सर, इसको डेबिट कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट एंट्री के ऊपर। नेक्स्ट एंट्री में हमारे पास फिफ्थ एंट्री में लिखा हुआ है, हमने एंट्री ड्यू की बनाई, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,00,000 लोगों से हमने ₹4 मांग लिया। ठीक है सर, ₹4 मांग लिया और उन लोगों ने हमारे को पैसा दिया, लेकिन किस तरीके से दिया जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शायद कैलकुलेशन के अंदर हमारे को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। देखिएगा, एक लाख लोग थे, इधर देखिएगा, वहां एंट्री पे मत देखिएगा, 1,00,000 लोग थे, उसमें से 500 लोग तो हमें पहले ही पैसा दे चुके हैं, वो भी नहीं देंगे, हाँ सर वो नहीं देंगे, और साथ में 1,000 लोग और हैं जो हमारे को पैसा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एडवांस वाला जो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, और ये एरियर वाला जो नहीं रिसीव होगा। ठीक है, अब ये दोनों ही डेबिट हो जाएंगे, कारण ध्यान से सुनना,
एडवांस जो था वो हमारी एक लाइबिलिटी थी, और लाइबिलिटी क्योंकि अब ड्यू हो गई है इसलिए डिक्रीज हो गई है। लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या हो जाती है सर? डेबिट। और सर एरियर जो है वो हमारा एसेट है, हमें फ्यूचर में मिलेगा, एसेट अराइज हो गया है। एसेट अराइज होता है तो क्या हो जाता है सर? डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? हमारी एंट्री बन जाएगी बच्चों, यहां पे इस फिगर को थोड़ा ठीक करेंगे, हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक भी हमारा एसेट है, एसेट डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि एसेट इंक्रीज हुआ है। कितने से? अब यहाँ पे हम टोटल देख लेते हैं कि कितने लोग हमें पैसा देने वाले। 1,00,000 में से 1,500 गए तो कितने बच गए? 97,500। तो 97,500 सॉरी, हाँ ठीक है 98,500। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अच्छा 98,500 लोग हमें पैसा देने के लिए तैयार है। ठीक है सर, इसको भी यहां पे इधर एस्ट्रिक का साइन लगा लेते हैं रेड पेन से। ये कैलकुलेशन की है हमने। अच्छा कितने लोग हमें फ्यूचर में देंगे पैसा, वो कॉल से नेरियर में डाल देते हैं आप। वो हमारे पास 1,000 × 4 है, ठीक है। और कॉल्स इन एडवांस कितने लोगों का? अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, 4 रुपए 500 × 4, यानी कि इतने की भी लाइबिलिटी हमारी खत्म हो गई। तो कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट हो गया 500 × 4 से, और ऊपर जो फाइनल कॉल में डेबिट हुआ था वो नीचे क्रेडिट हो गया 1,00,000 × 4 से। तो ये बाइफरकेशन है 1,00,000 का। 98,500 ने दे दिया, 1,000 ने पैसा नहीं दिया, वो फ्यूचर में देंगे, और 1,00,000 लोगों में से 500 लोग जो थे वो पहले ही पैसा दे चुके थे तो वो अब क्यों देंगे। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से हमारे पास में बाइफरकेशन आ जाती है। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो। ये लो पहले क्वेश्चन लिखो, और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये, इस तरीके का मिक्स क्वेश्चन भी हमारे पास में आ जाता है। पहले इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर जनरल एंट्रीज को नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब ये होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर टाइमली पैसा पे नहीं करता और लंबे समय तक उसका मनी जो है जो ड्यू हुआ था वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में पड़ा रहता है, तो काफी टाइम बाद में कंपनी हार करके क्या कर देती है, उसका शेयर फोरफिट कर लेती है, यानी कि उसका शेयर होल्डर की लिस्ट में से नाम काट देती है। और इसके दो इंपैक्ट होते हैं, एक तो जो उसका कॉल्स इन एरियर अकाउंट यानी कि वेटिंग अकाउंट चल रहा होता है वो क्लोज हो जाता है, और जो मनी पहले रिसीव की हुई होती है वो फोरफिट हो जाती है। ठीक है जी, दो इफेक्ट पड़ते हैं इसके। चलिए पहले इसकी एंट्री देख लेते हैं। एंट्री देखने के लिए मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। कि सर 5,000 shares on which rupees 6 were paid and 4 unpaid forfeited by company. अब आप यहां पे देख सकते हैं मैंने दो चीजें लिखी हैं कि 6 रुपए तो पेड थे, तो इसके बैंक अकाउंट के अंदर पेड अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर यानी कि रिसीव्ड बाय कंपनी कितना होगा?
सर ये होगा हमारे पास में 5,000 शेयर्स पे 6 रुपए, नंबर वन। और नंबर टू, इसके कॉल्स इन एरियर अकाउंट में कितना होगा जो इसने पे नहीं किया होगा? 5,000 × 4 रुपए, जिसका कि वेट चल रहा होगा। अब सर देखो, हमने शेयर फोरफीट करने, तो हमारे पास में एंट्री क्या होगी? आज तक हम इसका क्या कर रहे थे, आज तक जैसे ये पैसे देता था तो हम क्या कर देते थे, शेयर कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी अराइज हो रही थी। 2 रुपए देता था, 4 रुपए देता था, 3 रुपए देता था, जितना भी अमाउंट होता था हम उसको शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करते जाते थे। और आप देखते हैं हमेशा ही शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा था, हमारी एंट्रीज में आज तक क्रेडिट हो रहा था। लेकिन आज जब हम इस शेयर होल्डर का नाम अपने शेयर होल्डर्स के रजिस्टर में से निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसको डिसओन कर रहे हैं, यानी कि इसकी लाइबिलिटी को ओवर कर रहे हैं। भाड़ में जातू, अब हम तेरे को जानते ही नहीं। तो हमारे पास में लाइबिलिटी जब डिक्रीज हो जाती है तो क्या हो जाती है सर, तो हमारी सबसे पहला इंपैक्ट क्या है, शेयर कैपिटल जो है वो लाइबिलिटी हमारी आज के बाद में डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने इसका नाम जो है वो काट दिया। लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाती है तो क्या हो जाती है सर, डेबिट हो जाती है। तो हमारी जर्नल एंट्री में सबसे पहली चीज क्या आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 5,000 शेयर्स, कितना, 10 रुपए का। याद रखना ये 10 रुपया तभी होगा जो अमाउंट ड्यू हो चुका होगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने आज तक उससे मांगा ही 6 रुपया था, मांगा 7 रुपया था और उसने 6 रुपया दिया है, तो यहां पे सिर्फ 7 रुपए ही लिखे जाएंगे, रिमेनिंग मनी जो अनकॉल्ड है ना उसको यहां पे नहीं लिख सकते शेयर कैपिटल के अंदर, ठीक है जी, क्योंकि हमने मनी कितना ट्रांसफर किया था आज तक इसका, जितना ड्यू हुआ था, जितना ड्यू किया था हमने, तो जो ड्यू किया था वही अमाउंट शेयर कैपिटल के अंदर फोरफीचर के टाइम पे आता है। नंबर वन तो हमारे पास में ये हो जाने वाला है, ये इंपैक्ट पड़ा। नंबर टू, अभी जो मैंने बात आप लोगों को बताई, अभी जो बात मैंने आप लोगों को बताई कि सर जो पेड था उसको हमने फोरफीट कर लिया, या फिर जो रिसीव था, ठीक है, उसको हमने फोरफीट कर लिया, और कॉल्स एंड एरियर जो था वो हमारा एक एसेट था। तो दूसरा इंपैक्ट किसके ऊपर आ रहा है सर, कॉल्स एंड एरियर के ऊपर, कॉल्स इन एरियर के ऊपर। सर कॉल्स इन एरियर को हमने क्या माना हुआ था, अपना एसेट माना हुआ था कि फ्यूचर में पैसा मिलेगा, लेकिन आज ये विश्वास खत्म हो गया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्लोज कर रहा हूं, तो सर ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। एसेट जब डिक्रीज होता है क्या हो जाता है सर, क्रेडिट हो जाता है। तो मैं यहां क्या लिख देता हूं जी, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है जी, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट कितने में था, 5,000 × 4। ये कौन सा पैसा है, जो अनपेड मनी है, जो कि अनपेड मनी है। ठीक सर, और जो पेड मनी होती है उसको हम क्या कर लेते हैं सर, फोर फीचर अकाउंट के अंदर डाल देते हैं, उसको हम फोर फीचर अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। तो एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, शेयर फोर फीचर अकाउंट, और ये शेयर फोर फीचर अकाउंट फ्यूचर में जाकर के हमारे पास काम आने वाला है, फ्यूचर में जाकर के हमारे पास में काम आने वाला है। तो सारे पैसे को हम फोरफीट कर देंगे क्रेडिट साइड, तो हमारे पास एंट्री क्या बन जाएगी सर, टू फोर फीचर अकाउंट। फोर फीचर अकाउंट में जो पैसा उसने दिया था वही पैसा डालेंगे, कौन सा पैसा, जो मनी रिसीव कर ली गई, पेड मनी, याद रखना। लेकिन लेकिन अगर यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम का केस होता
तो कुछ और एंट्रीज बनती, कुछ और अमाउंट आते, वो हम सिक्योरिटी प्रीमियम पे के केस को अलग से करेंगे। अभी ये हमारा जनरल केस है, जनरल केस के अंदर इस तरीके से हमारे पास में काम होता है, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल के अंदर देखा कि उसने हमारे को 4 रुपए जो थे वो नहीं पे किए थे और 6 रुपए जो रिसीव किए थे हमने उससे वो हमने फोरफीचर अकाउंट में डाल दिया और इसकी लाइबिलिटी को आज के बाद हमने खत्म कर दिया कि हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपके टूवर्ड्स, क्योंकि आपने हमारे को पैसा ही नहीं दिया। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, पूरा पैसा नहीं दिया आपने, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एन एरियर अकाउंट टू शेयर फोर फीचर, ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाती है। शेयर फोर फीचर, इसको नोट कीजिए बच्चों। बच्चों हम लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, फोर फीचर ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम, के जो शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम पे किए गए हैं उनके फोर फीचर का क्या ट्रीटमेंट होता है। केस वन, जबकि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया गया हो, और केस टू, जबकि सिक्योरिटी प्रीमियम का केस ना, जबकि सिक्योरिटी प्रीमियम ना पे किया गया हो। तो ये केस वन और केस टू काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में टाइमली आ जाना, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम आपसे।